हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के स्वाद का रास। तो चैनल पर नया और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे ऑल वीडियोज एंड नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरी चना की दाल है, इसको 3 से 4 घंटे के लिए सोक कर दिया था। अब इसका एक्स्ट्रा पानी जितना भी उसको निकाल देंगे। ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं दाल को। 2 हरी मिर्च और 1 टुकड़ा अदरक का डाल देंगे। दाल का दरदरा पेस्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। देखिए दाल का दरदरा पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। दाल के पेस्ट को बाउल में निकाल लेंगे। ये 2 मीडियम साइज के आलू थे, इनको ऑलरेडी बॉईल कर लिया और मैश कर लिया है। आलू को हम दाल के पेस्ट में डालेंगे, साथ ही साथ थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच ही भुने हुए जीरे का पाउडर एंड लास्ट में ढेर सारा फ्रेश धनिया। तो सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए तो ये तैयार हो चुका है। अब लास्ट में इसमें 1/4 चम्मच नमक डाल दूँ, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये रेडी है। अब हम कटलेट बनाने के लिए जितना भी आप शेप रखना चाहें बड़ी उतना ही बैटर ले लेंगे। हाथों में हल्का सा पानी या फिर ऑयल लगा लेंगे और बैटर को रख के गोल गोल टिक्की बनाकर रेडी कर लेंगे। ये बनकर रेडी हो चुके हैं, हाथ से हल्का सा फ्लैट। देखिए कटलेट बनकर रेडी हो चुका है। हम सारे कटलेट को एक साथ नहीं बनाकर रखेंगे, एक एक बनाते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। कढ़ाई में ऑयल जो है ऑलरेडी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया था। एक बार में जितने कटलेट आ जाएंगे उतने डाल देंगे। एक साइड से गोल्डन ब्राउन कलर होने के बाद दूसरे साइड भी सेम गोल्डन ब्राउन कलर का ही फ्राई करेंगे इनको। देखिए बहुत बढ़िया इस कलर आ चुका है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। बाकी के बचे हुए कटलेट भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। देखिए बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही कम समय में बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी से हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा रेसिपी कैसी लगी। ऐसे ही न्यू एंड टेस्टी रेसिपी जानने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा ऑल वीडियो एंड नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड वीडियो को एंड तक देखने बहुत बहुत धन्यवाद आपका।